बंधुओं, दमदार ने जो ये महफिल जुटाई, मैं उन्हें बधाई दे रहा हूँ। और वकील दो जो बैठे हुए हैं, इतनी रात तक हम लोगों को झेल रहे हैं, मैं उन्हें भी बधाई दे रहा हूँ। बंधुओं, पहली बार जब अमेरिका में गया था, एक बैंक बैठे बैठे याद आ गया, वहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो 110 मंजिल बिल्डिंग थी, उस पर चढ़ गया। दो महीने के बाद वो बिल्डिंग धराशाही हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि कागरू आप ऐसे गए कि बिल्डिंगें धराशाही हो गई। तो हमने कुछ कुछ छंद लिखे थे जो देश ने बड़ा सराहा गया। सुनिए सुनिए कि सेंट्रल ट्रेड में आग लगी, सत मंजिला बिल्डिंग झूल गई है, और भाई की हिम्मत देख बड़ी, अमेरिका की सांस भी फूल गई है, सारा घमंड है दूर हुआ, गरिमा महिमा सब धूल भई है, जैसे को तैसा मिला अमेरिका की दादागिरी सब भूल गई है। भारत रोता रहा कई साल से, आतंकवादी सताए रहे हैं, सब अमेरिकी उपासक शासक मेरा ही दोष बताए रहे हैं। क्लिंटन से कर जोर कहा, पर क्लिंटन भी असहाय रहे हैं, बूस में घुस गया जब मूस तो बाप रे बाप चिल्लाए रहे हैं। बंधुओं, मैं जब उस पर चढ़ गया था, तब मैंने लिखा कि आपका साल जहां भी पहुंचता है, होता है दिव्य वहां का नजारा, हुंकारता है फुंकारता है, उरपेटता है यह कसाल करारा, आपका साल अमेरिका में जाए के सेंटर टावर में सिंह मारा, सत मंदिला बिल्डिंग ध्वस्त हुई, बदनाम हुआला देन बेचारा। बंधुओं, और मैं वाशिंगटन डीसी में कविता पढ़ रहा था, दो जोड़े बैठे थे, उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान के कवियों से निवेदन करूंगा कि क्लिंटन और लेविस्की पर कविता सुनाऊंगा। अब बड़ी समस्या आ गई। दो युवा थे, विष्णु सक्सेना अलबेला खत्री, हमने कहा भैया आप सुनाइए, कहीं गुरु नहीं तो हम तो आप ही सुना सकते हैं, हमने कहा मैं तो हाजरत का कवि हूँ। हमारे दिमाग में आया कि चोर को चोरो साह को साह, गुणी को सदा ही गुणी पहचाने, एक दीवानी को माने दीवाना, और दीवाना दीवाना ही जाने, क्लिंटन और लेविस्की का मामला भारत का पशु साण क्या जाने, क्लिंटन और लेविस्की का मामला भारत का पशु साण क्या जाने, प्रेमी तो आज सभी यहाँ बैठे हैं, इश्क की बात है इश्क ही जाने। बंधुओं, 60 वर्ष से कविता कर रहा हूँ, देश विदेश सारे देश में जाने का अवसर मिला। हमारे जौहर साहब, ये लोग बहुत बहुत बाद में आए, मैं तो कानपुर के फना कानपुरी, वर्ग को जितनी शोहरत मिली आसिया के बदौलत। तो बंधुओं, मैं तो बड़े बड़े लोगों के साथ कविता पढ़ चुका हूँ, अब कविता पढ़ने की इच्छा नहीं होती बंधुओं, लेकिन आपका प्रेम है, आप लोग जो ये महफिल सजाते हैं, अब हमारे पुत्र के समान भाई दमदार, सारा कार्यभार उन्हीं को मैंने सौंप दिया है, बड़ा अच्छा रहा ये सम्मेलन। और मधोग जी के पुत्र को कोरोना हो गया तो इसलिए वो नहीं आ सके, और एक एक छोटे भाई है उनके लड़के को कोरोना हो गया, तो ये समस्या है। कोरोना वाला 4 लाइन मैंने लिखने का प्रयास किया था कि चिंग पिंग टिंग फिन करे यदि सीमा पर सभी 4 फुटियों बर्फ में लथेड़ दो, इसने मचाया उत्पात सारी दुनिया में, चीन के ये वायरस चीन में घुसेड़ दो, सारे सिंह नवाई के कहे शिव जी से, बाबा भोलेनाथ अब पकिया
काशी को तवाल कायर भैरव को जगाओ प्रभु आप निज क्षेत्र से करोना को खदेड़ दो। बंधुओं वाकई में कोरोना से बड़ी परेशानी होती है, जहाँ जाइए तहाँ